हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ न्यू टेक्निकल पे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी जानकारी का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन लोन कंपनियों, NBFC या बैंक के रिकवरी एजेंट का। तो ये समाज में आज ऐसा एक भूत की तरह बन गया है, लोग इनका नाम लेते ही डर जाते हैं। रिकवरी एजेंट न हो गए जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए हैं, इनकी छवि कुछ ऐसी हो गई है। बहुत से रिकवरी एजेंटों ने ऐसे काम कर दिया है कि इनकी छवि ऐसी बन गई है। लेकिन दोस्तों, फिर भी किसी निर्णय पर, किसी के बारे में ऐसा सोचने से पहले, करने से पहले एक बार आप उससे बात करके ज़रूर देखिए। कहीं कॉल आती है या फोन मिजिट पे आता है, बात करके देखिए, अपनी परेशानी बता के देखिए, क्योंकि हैं तो ये भी इंसान ही, हो सकता है मान जाए, समझ जाए तो अच्छी बात है, आपका भी काम आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनके लिए भी आसान हो जाता है। अगर कॉल पे ही वो समझ जाते हैं तो उनका भी इतना, क्योंकि इतना पैकेज, इतना सैलरी इनको नहीं मिलता कि बार बार पेट्रोल डला के रिकवरी करने लोगों के घर घर जाए। इनके लिए भी संभव नहीं, 70-80 केस मिल गए इनको, मान लिया 100 केस मिल गए, तो सबके पास ये भी नहीं जाना चाहते। जब कॉल कोई नहीं उठाता तभी उसके घर जाने की कोशिश करते हैं, या इनको लगता है कि हाँ नहीं, अगले के पास पैसा है लेकिन वो दे नहीं रहा, टाल रहा है, इस पोजीशन पे ये उसके घर जाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो यही है कि हाँ, आप अपनी परेशानी बता के देखिए, बात करिए, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ उठपुरांग की बात करते हैं तो भी इनको फिर RBI की गाइडलाइन इनको समझा दीजिए अच्छे से, और अपने अधिकार आप इनको बता दीजिए कि मेरे पास भी अधिकार हैं। और ये ज़रूर बताइए अगर फ़ोन पे कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर बता दीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से बोलिएगा मुझसे। और होम विजिट पे आते हैं तो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ये खुद ही अलर्ट हो जाएंगे। और आप कोशिश करिए बात से, नहीं कि RBI की गाइडलाइन सही है और फिर भी ना माने तो दोस्तों फिर आखिरी रास्ता वही बच्चा है, फिर तो जूते उतार, फिर यही रास्ता है, अगर हो सके तो निपट लीजिए, फिर होना कुछ नहीं है। इनसे पेपर मांग लीजिए 3, इनसे DRA सर्टिफिकेट इनसे पूछ लीजिए, हाँ आपने किया है DRA कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ID कार्ड और होम विजिट लेटर, इतने पेपर होने चाहिए तब घर पे खड़े होना, वरना आना नहीं, साफ बिल्कुल समझा दीजिए। तो दोस्तों, पहले प्यार से अपनी परेशानी बता के, फिर RBI गाइडलाइन समझा के, वैसे काम हो जाता है इतने में, लेकिन बहुत ज़िद्दी हैं तो फिर तो आप निपट लीजिए इनसे। अगर इनके पास पेपर नहीं है, कागज़ इनके कंप्लीट नहीं है, ID कार्ड नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। अगर है थाने तक जा सकते हैं तो थाने में इनके खिलाफ FIR आप दर्ज कर दीजिए, बाकी पुलिस वाले कानून इनसे खुद निपट लेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो में छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है, रिकवरी एजेंट का भय आपके अंदर से निकालने की कोशिश, इनके भय को निकालिए अपने मन से और चिंता मुक्त रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। पैसा हो तो जमा कर दीजिए, उसके लिए मैं नहीं कहता, जिसके पास है वो जमा करके फुर्सत पाए, और नहीं है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं है किसी वजह से, तो भी इनके रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।